इज टू बी, तो दिस इज अ रेशियो विच कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी. अब प्रपोर्शन क्या होता है? ए इज टू बी एज सी इज टू डी. तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो इट बिकम्स ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी. अब इसमें कुछ रूल्स याद रखना. ये जो है इट विल मीन द सेम एज ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी. ये भी हो सकता है a upon a plus b is equals to c upon c plus d. ये भी हो सकता है. या a minus b upon b is equals to c minus d upon d. ये भी हो सकता है. a upon a minus b is equals to c upon c minus d. And the last one, a plus b upon a minus b is equals to c plus d upon c minus d. तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसमें लिखा जा सकता है, इसमें, 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 किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है, तो इसको कॉपी नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि मैं पीडीएफ तो भेजूंगा ही भेजूंगा. क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन आउट हियर इज, इन अ 20 केजी मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट. 20 केजी है किस चीज का? सैंड एंड सीमेंट का मिक्सचर है. द रेशियो ऑफ द टू इज 7:1. Which item and what quantity should be added to make this ratio 8:1 का ratio बनाना है? 20 kg जब है तो it is 7:1 का ratio. हमें किस में बनाना है? 8:1 में बनाना है. ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ढूंढ लो कि 20 केजी में कितना कितना है. 20 केजी में सैंड कितना है? सैंड इज 7 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स इनटू 20 हमारा सैंड है. तो बचा 1 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट ऑफ 20 हमारा सीमेंट है. तो सबसे पहले ये ढूंढो. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे शेयरों. 17.5 मेरा सैंड है और मेरा तो बचा कितना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया. सार्थक, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आ गया सर. ठीक है, प्रेरित, प्रेरित है, प्रेरित? यस सर. आ गया बेटा? Yes, sir. अब हमें रेशियो बढ़ाना है. हमें रेशियो को क्या करना है? वी हैव टू इंक्रीज द रेशियो. तो ये हमारा सीमेंट है, हमें सीमेंट बढ़ाना है. सीमेंट बढ़ाना है, सैंड बढ़ाना है? सैंड बढ़ाना है. सैंड में मुझे कुछ डालना पड़ेगा. मेरा सीमेंट उतना ही रखूंगा क्योंकि 1:1 ही है. ठीक है, तो मुझे रेशियो निकालना है. मुझे पता करना है कि x कितना होगा. तो मेरे पास 17.5 प्लस x हो गया अपॉन 2.5 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 8:1. ठीक है, रेशियो गिवन है, 8 बनाना है, तो मेरा सैंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सैंड को इंक्रीज कर दिया. अब x का आंसर निकाल के बताएं कितना आएगा. 30 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं. आंसर
ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 प्लस एक्स 8 इंटू 2.5 इज अ 20, तो x हमारा हो जाएगा 20 माइनस 17.5 दैट इज अ 2.5, ठीक है ओके यस सर। भाई शांत नहीं होना, मजे करते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में क्या कहा था, वी आर गोइंग टू हैव फन। रुपी वन है, रुपी टू है, रुपी फाइव है, दे आर इन द रेशियो 5:2:1। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स, टोटल वैल्यू कितना है, 84 रुपीज है, हमें ढूंढना है 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं। अब रेशियो में हम कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मान लो कॉमन टर्म x है तो 1 रुपी के कितने कॉइन्स है, 5x, 1 रुपी के कितने कॉइन्स है, 5x, ठीक है। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 2x। 5 रुपी के कितने कॉइन्स हो जाएंगे, x। अब ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। अब वैल्यू अमाउंट, 1 रुपया कितने हो गए, 5x इंटू वन करोगे तो आपके पास इतने रुपीज आ गए, 2x इंटू टू करोगे तो इतने रुपीज आ गए, 5 इंटू x करोगे तो इतने रुपीज आ गए, और टोटल रुपीज हमें कितना दिया है। तो जल्दी से x का आंसर निकालें, 14 x is equal to 6। अब हमें किसका निकालना है, 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है, 2 रुपीज के 2x है, तो 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितने कॉइन्स हो गए, 12 कॉइन्स, ठीक है भाई। यस सर। ओके सार्थक कह रहे भाई ये भी करने पड़ेंगे। अब अ मिक्सचर ऑफ इथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल इज इन द रेशियो 1:2। अ वॉल्यूम ऑफ 9 liters ऑफ दिस मिक्सचर इज मिक्स्ड विद अनदर 10 liters ऑफ अ मिक्सचर इन विच द टू लिक्विड्स आर प्रेजेंट इन द रेशियो 2:3। ओ बेटे के, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिक्विड्स इन द फाइनल मिक्सचर। अब देखना क्वेश्चन ने क्या था, डायग्राम बनाते हैं। ये मिक्सचर वन है, ध्यान से देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसमें रेशियो 1:2 है, किसका, इथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल का, और ये है 9 liters, ये है 9 liters। दूसरा बोला है मिक्सचर टू जो हमारा है, इथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल का रेशियो है 2:3, और ये भैया है 10 liters। इन दोनों को कर दिया मिक्स, मिक्स कर दिया तो नया बना, नए का वॉल्यूम कितना होगा, 19 liters। इसमें ढूंढना है रेशियो। अब देखना इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका, सबसे पहले यहां पे इथाइल ढूंढ लो, इथाइल कितना हो जाएगा, 1:3:9, तो मिथाइल कितना हो जाएगा, 2:3, बिल्कुल सही। यहां पे भी ढूंढो इथाइल,
इथाइल हो जाएगा 2/5 × 10, मिथाइल कितना हो जाएगा 3/5 × 10। सबसे पहले मुझे ये चारों आंसर जल्दी से बताओ। ओके, ये 3 हो गया, ये 6, ये 4, और ये 6। तो यानी कि टोटल इथाइल मेरा कितना है, टोटल इथाइल कितना है 7, टोटल मिथाइल कितना है, टोटल मिथाइल कितना है 12। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इथाइल एंड मिथाइल, 7:12। शाबाश, ठीक है, आया, कितना इजी था, सिर्फ देखने में डिफिकल्ट था। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल गेट इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन।